स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का ये जो क्लास है वो आपको स्पेशली हम डिस्कस करेंगे जो कल आपका जो सेकंड यूनिट टेस्ट यूटी सेकंड होने जा रहा है उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। लेसन्स आपको ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है दैट हैज बीन ऑलरेडी सेंड टू योर पर्टिकुलर योर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से देयर वुड बी फोर ऑप्शंस फॉर यू, तो उनमें से जो राइट वन है वो आपको पिक आउट करना है और उसको करेक्ट करना है गिवन टाइम। आज जो हमने लॉकडाउन के स्टार्टिंग पीरियड में टेंस को डिस्कस किया था, तो मॉडल्स तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बहुत बार बता चुके हैं, फर्स्ट टेस्ट में भी वो आ गए। टेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपके अभी के सिलेबस में जो टेंस मेनली आस्क किए जाएंगे उन्हें ध्यान से सुने। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आस्क होंगे, तो आप इन तीनों को ध्यान रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका एडवर्ब आपको याद रखनी है जैसे ऑलवेज, नेवर, ईच, एवरी, रेयरली, रेगुलरली, डेली, ओके, स्केयर्सली, हार्डली, शेल्डम, ऑन दिस डे, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, ये सब आपको याद रखना है। और सेकंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, और द एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दीज डेज, ईटीसी। और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में तो हम बोर्ड पर आपको एक बार, कुछ बच्चे जो उस समय जुड़ नहीं पाए होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज एर प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो पहला जो हमारा वर्क है वो वर्क है इस स्ट्रक्चर को याद रखना, और सेकंड जो हमारा वर्क है, हमारी जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टूडेंट को कैसे इसको कंप्लीट करना है, तो सेकंड थिंग लर्न द एडवर्ब्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, just, already, recently, lately, so far, yet, ये सब present perfect के adverbs हैं, जिससे आप present perfect को easily recognize कर सकते हैं, identify कर सकते हैं। जैसे कि example है सुमन has already finished her work, bracket में finish था और यहाँ पर आपके लिए identification given था already, तो उसके according हमने has finished को fill up किया है। तो आपको जो grammar section में एक तो जो models है, कौन सा model sentence given होगा उसमें blank होगा, नीचे चार models होंगे and you will have to pick up one of them, just like that tense से related जो question होंगे वो इस type के question होंगे, blank given होगा और आपको उसका correct form of the verb, चार verb नीचे given होगी, उनमें से आपको एक fill up करना। That's all for today.